हाय गाइस, वेलकम टू गुनीज लाइफ। बहुत 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 दिनों बाद मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ एंड ऑलमोस्ट 15-20 डेज हो गए उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। सागर की शादी की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद ना मैंने कुछ शूट किया है ना कुछ, बैकग्राउंड में बहुत कुछ सारी चीज़ें चल रही थी इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया, शूट करने का मन नहीं किया। अभी जस्ट मैं ऑफिस से आई हूँ, रूम का भी थोड़ा सेटअप हमने चेंज किया है। यहाँ जो मिरर था वो भी फूट गया है, वो धक्के से हवा आई थी तो हवा से फूट गया, तो इसलिए हमने नया मिरर बिठाया है। रूम टूर अगर चाहिए होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं ऑफिस से आई हूँ, अभी हमें बाहर जाना है थोड़ा पिंपरी मार्केट, तो पिंपरी मार्केट तुलसीबाग यह सब मेरे ब्लॉग में अभी चलता रहेगा। सो हमें थोड़ा बाहर जाना है, सवेरी पल्लवी मैं इसलिए मैं सोच रही थी कि कुछ खा के निकलूँ क्योंकि बाहर का मुझे खाना नहीं है, मतलब मेरा मन नहीं है खाने का बाहर का, इसलिए मैं सोच रही थी अभी भूख भी लगी है तो कुछ बनाती हूँ फटाक से। सो चलिए जल्दी से लेट गेट स्टार्टेड। क्या बनाऊँ सोचते मैंने सोचा है कि क्विक मैं उकड़ पेंडी बनाती हूँ। उकड़ पेंडी विदर्भ में बोलते हैं, आई डोंट नो इधर क्या बोलते हैं और ये डिश यहाँ बनती है भी या नहीं, आई डोंट नो। तो किचन में हो रहा है पूरा मेस, ये सारा मुझे क्लियर करना है और उसके बाद मैं बनाती हूँ उकड़ पिंडी। वो कैसी बनती है वो भी मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। मेरी बहुत 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 फेवरेट है, बहुत क्विक इवनिंग स्नैक्स में भी आप बना सकते हो और बहुत क्विक और बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है और तुझको भी, हमारे घर में सबको ही अच्छा लगता है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं। उसके लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लगेंगे वो मैं क्विकली आपको बता देती हूँ। सो उकड़ पेंडी बनाने में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। अभी मैंने यहाँ सब चीज़ें जो है वो रेडी कर ली है, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या लिया है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है आटा एंड दही, ये पूरा दही में बनता है तो दही इज़ मैंडेटरी। जितना आप दही में बिना पानी मिक्स किए जितना आप दही में इसे बनाओगे उतना टेस्टी लगता है। बैकग्राउंड सब इग्नोर करो, किचन बहुत मेस है। यहाँ मैंने लिया है प्याज, ये थोड़ा पालक लिया है मैंने, ये ऑप्शनल है, जितने आप वेजेस उसमें ऐड करोगे उतना हेल्दी है। तो ये मैंने पालक मेरे पास थी तो मैंने ये लिया है, ये टोमेटो और ये कड़ी पत्ता और आटा मैंने एक कटोरी लिया है और उसके हिसाब से मैं दो कटोरी इसमें दही डालूंगी। सो कढ़ाई में मैंने लिया है ऑयल, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई, इसमें आप पीनट्स भी ऐड कर सकते हो। आई थिंक सो लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, हाँ। सो इसमें आप पीनट भी ऐड कर सकते हो, मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास है पीनट बट वो थोड़े बीच बीच में गंदे हो गए हैं तो वो बीच में मुंह में गंदा आता है तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। आप पीनट भी ऐड कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी हमारा राई एंड जीरा अच्छे से हो चुका है, अभी इसमें हम डालेंगे प्याज। मैं पहले कड़ी पत्ता नहीं डालती हूँ क्योंकि वो उड़ता है, तो मैं थोड़ा प्याज होने दूंगी उसके बाद डालूंगी कड़ी पत्ता। अभी हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। सो इट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ उपमा, उपमा जैसा होता है वैसा ही होता है ये, थोड़ा चिपचिपा और स्पाइसी मीठा ये सब, तो उपमा ही है बस रवा के जगह हम यूज़ कर रहे हैं आटा और पानी की जगह यूज़ कर रहे हैं दही, पर टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, यू कैन ट्राई। मैंने शूट लिया, बस प्ले का बटन दबाना ही भूल गई। सो इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर एंड धनिया पाउडर। तो इसका कलर अभी ऐसा कुछ हो चुका है, अभी हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो एंड पालक, ये मैं पूरा ऐड करूंगी। तो पालक भी मैंने ऐड कर दी है यहाँ पे। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी आटा, अभी तक मैंने नमक नहीं डाला है। तो उपमा में जैसा आप रवा ऐड करते हो वैसे ही यहाँ आपको आटा ऐड करना है। सॉरी कैमरा बहुत हिल चुका है तो बट प्लीज़ इग्नोर। सो आटा इसमें ऐड कर दिया है मैंने, इसे हमें अच्छे से भूनना है जब तक ये आटा जो है वो कच्चा है अभी, तो वो पक ना जाए तब तक, इसे हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है। सो मुझे ना ऐसी मतलब खट्टी मीठी तीखी ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, चाट टाइप, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ये गुड़ उसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि चीनी ऐड नहीं कर सकती इसलिए मैं थोड़ा गुड़ उसमें ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप अगर आपको भी ऐसा अगर पसंद हो तो आप भी ऐड कर सकते हो।
थोड़ा सा गुड़ का पोर्शन लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड करके हम इसे अच्छे से भूनने देंगे, भूनने देंगे नहीं, भून लेंगे। सो ये अच्छे से भून चुका है, अभी अच्छे से स्मेल आ रही है, स्मेल से आपको समझ जाएगा कि ये भुना है या नहीं, या फिर आप थोड़ा सा टेस्ट भी कर सकते हो। मैंने अभी तक नमक नहीं डाला है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक। सो नमक आप एकदम थोड़ा सा अंदाजे से ऐड कीजिए, क्योंकि सॉरी हाँ क्योंकि हमने पालक भी ऐड की है, हमें दही भी ऐड करना है, तो आप आपके हिसाब से अंदाजे से टेस्ट करके देखिए या फिर मत देखिए, बट थोड़ा थोड़ा करके ही आप नमक ऐड कीजिए। अब मैंने थोड़ा सा नमक उसमें ऐड कर दिया है। मेरे पास कैरी नहीं है, वरना मैं कैरी के जो छोटे छोटे पीस होते हैं ना, वो भी मैं इसमें ऐड करके डालती हूँ। तो जब हम बाइट लेते हैं तो उसमें खट्टा मीठा तीखा सब फ्लेवर्स आते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। जितना आप एड ऑन वेजीज कर सके उतना आप कर सकते हो। मैं बीन्स भी डालती हूँ, अभी मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने डाला नहीं, बट जितना वेजीज और जितना फ्लेवर उसमें आएगा ना, तो वो उतना अच्छा टेस्टी लगता है। सो नाउ आई एम एडिंग दही इसमें, और थोड़ा मैं और थोड़ा दही डालूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा चिपचिपा और पतला चाहिए इसलिए। सो इसका लुक ऐसा कुछ है। इस पॉइंट पे आप इसे हिलाते रहिए, क्योंकि इसमें लम्स ना आए, जितना ज़्यादा आप इसे फेटोगे उतना वो टेस्टी और उतना वो मिक्स हो जाएगा। फेटते रहना, ये दही के जो पोर्शन है वो हमें विजिबल नहीं होंगे तब तक हमें फेटना है। अभी इसे कैसे ट्रांसलेट करूँ आई डोंट नो, इसलिए मैंने बोला विजिबल नहीं होगी, मतलब ये दही जब तक इसमें मिक्स नहीं हो जाता है ना, तब तक हमें इसे अच्छे से फेटना है, जैसे उपमा में हम पानी डालकर फेटते हैं वैसा है। तो प्रोसेस मैंने लो फ्लेम पर ही की है, क्योंकि गुड फूड नीड पेशेंस। तो ये मैंने अच्छे से फेट लिया है, अभी हम इसे ढक के ऑलमोस्ट 5 मिनट जो है वो पकने देंगे। सो मेरी क्विक हेल्दी उकड़ पिंडी की रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। क्विक बाइट है, आप कभी भी बना सकते, कभी भी बना के कभी भी खा सकते हो। मैं तो ऑलमोस्ट यूजुअली मैं बनाती ही रहती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, हेल्दी भी है और अच्छा भी है। तो ऐसा कुछ है, आप भी ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कैसे बनी है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, 2-3 दिनों में जितने भी जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू सो मच। और रिश्तेदार अगर देख रहे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बुरा बोलने के अलावा प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो, इसमें कुछ पैसे नहीं लगते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और जनरली अभी वीडियो आते रहेंगे, बीच में बहुत गैप हो गया है आई नो, बट देखते हैं, अभी मैं वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दूँगी फिर से फुल फॉर्म में। तो बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए गुनीज लाइफ। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गरम है बट बहुत यम है, प्लीज़ ट्राई।